हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे संतुलित और असंतुलित रासायनिक समीकरणों के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो चलिए इसका डिफिनेशन पहले देखते हैं। कहता है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में अवयवी परमाणुओं की संख्या या मात्रा समान हो, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, H2+O2 क्या बनाएगा? H2O। इसको बैलेंस करते हैं। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है, पहले डिफिनेशन पार्ट को पकड़ते हैं। तो इसमें कह रहा है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों में अवयवी परमाणुओं का संख्या क्या हो? समान हो, अर्थात मात्रा क्या हो? बराबर हो। तो हम उसे क्या कहते हैं? संतुलित रासायनिक समीकरण, जिसको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 × 4। इधर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2 × 4। इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। और इधर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2 × 2। तो हम क्या देख रहे हैं, दोनों पक्षों में। इसको अभिकारक कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। कल हमने बात किया था। तो कहता है, दोनों पक्षों में अवयवी परमाणुओं की संख्या, जो अलग अलग परमाणुओं की संख्या होती है, इंडिविजुअल मतलब जो पार्ट होता है अलग अलग, उसमें उसका जो नंबर होता है वो सेम हो, दोनों तरफ इक्वल हो, तब हम उसे क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। और यहाँ पर नोट में कह रहा है कि प्रत्येक रासायनिक समीकरण, सॉरी यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण होगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं। कहता है, प्रत्येक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। बहुत महत्वपूर्ण है, किसके नियम मतलब नियम का पालन करता है? तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा है, H2+Cl2 gives HCl। यदि हम आपसे पूछें क्या यह रासायनिक समीकरण संतुलित है, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आप कहिएगा, नहीं, यह रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं संतुलित है? तो आइए हम जानते हैं क्यों नहीं यह रासायनिक समीकरण संतुलित है। तो हम क्या देख रहे हैं, परिभाषा में हमको क्या बोला? बोला कि दोनों तरफ जो अवयवी परमाणुओं का संख्या होगा, जो इसका मात्रा होगा, वो क्या होना चाहिए? दोनों पक्षों में बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इक्वल नहीं है। कैसे नहीं है? हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 2। इधर क्लोरीन की संख्या कितनी है? 2। लेकिन इस पक्ष में देखिए, उत्पाद के तरफ हाइड्रोजन की संख्या 1, क्लोरीन की संख्या कितना है? 1। बैलेंस है तो नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे हुआ, तो जब हम समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे उसमें देखेंगे। अब क्या यह संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो बिल्कुल संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम चेक करते हैं, तो इस पक्ष में हाइड्रोजन की संख्या 2, इस पक्ष में कितना? 2 × 2। इस पक्ष में क्लोरीन की संख्या कितनी? 2। इस पक्ष में भी क्लोरीन की संख्या कितनी? 2। तो हाइड्रोजन भी 2 और क्लोरीन भी 2। तो हम इसको क्या कहेंगे? संतुलित रासायनिक समीकरण। यदि दोनों पक्षों में अवयवी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं हो, तब हम उसको क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। यानी हम यहीं से कहें तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का परिभाषा लिख सकते हैं यहाँ पर, असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, जहां पर समान था वहां पर क्या हो जाएगा? असमान। यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद दोनों पक्षों में अवयवी परमाणुओं की संख्या, अवयवी परमाणुओं की संख्या या मात्रा असमान हो, अर्थात बराबर नहीं हो, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे, और यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक असंतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का अनुपालन नहीं करता है। चलिए, इसको हम कंकाली समीकरण भी कहते हैं। असंतुलित समीकरण को हम क्या कहते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। जैसे हमने लिखा है N2+H2,
ये क्या दे रहा है, NH3। यहाँ पर यदि हम पूछे क्या यह समीकरण संतुलित है, तो हम चेक करते हैं, तो इधर देखिए नाइट्रोजन की संख्या कितनी, दो, इधर नाइट्रोजन की संख्या कितनी, एक, इधर हाइड्रोजन कितना है, दो, इधर हाइड्रोजन कितना, तीन। चेक करते हैं, दो एक दो तीन, क्या बराबर है दोनों पक्षों में, तो बराबर नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यदि यही बराबर रहता तब हम इसको क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ पर टू रहता तब हम चेक करते इस प्रकार से, तो हम यहाँ पर नाइट्रोजन दो और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना, दो एक दो, हाइड्रोजन कितना, तीन दूनी छ, यहाँ पर कितना, दो तिया छ। अब हम इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं और असंतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है, अर्थात अभिकारक के पक्ष में जितना द्रव्यमान होगा उतना ही उत्पाद बनेगा। यानी हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे हमने 2 ग्राम हाइड्रोजन ले लिया और 16 ग्राम ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया 16 ग्राम, तो जल का निर्माण कितना होगा, तो जल की जो मात्रा होगी कितना, 16 × 2 = 18 ग्राम। द्रव्यमान इसका घटेगा नहीं और ना ही बढ़ेगा, इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसको कहते हैं द्रव्यमान और नश्वरता का सिद्धांत। चलिए अब देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संकेतों के बारे में। जैसे यदि समीकरण में कहीं पर S लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, L लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यदि समीकरण में S लिखा है तो उसका मतलब ठोस अवस्था है, वह ठोस अवस्था को दर्शाता है। यदि L लिखा है तो वह द्रव अवस्था को दर्शाता है, और कहीं पर यदि AQ लिखा है तो AQ जलीय घोल को दर्शाता है, और जी लिखने का मतलब गैसीय अवस्था को, और इसे हम तीर के चिन्ह द्वारा प्रेजेंट करते हैं, और यह तीर का चिन्ह ऊपर की ओर दर्शाता है। समझ रहे बात, इसका जो हेड होता है वह ऊपर की ओर होता है, और रवा के लिए हम PPT लिखते हैं और इसे तीर के चिन्ह से ही दिखाते हैं, लेकिन इसका जो हेड होता है वो नीचे की तरफ होता है। जैसे यहाँ पर एक समीकरण हम लिखते हैं H2+Cl2HCl, हमने लिख दिया है, यहाँ पर यदि ब्रैकेट में आपको जी लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, और जैसे मान लिया यहाँ पर एक क्यू लिख दिया, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, इसका मतलब होगा यह गैसीय अवस्था में है, यह भी गैसीय अवस्था में है, और यह क्या है, जलीय घोल है। जैसे हमने एक या और एग्जांपल ले लिया है H2SO4, यहाँ पर एक क्यू लिखा है, H2 यहाँ पर लिखा गया, चलिए H2 नहीं लेते हम, कोई धातु ले लेते, Na ले लिए हैं, यहाँ पर बनेगा Na2SO4+H2, भाई सही है ना, सही है। यहाँ पर हमने ऐसे तीर लगा दिया, इसका मतलब हमें क्या हो रहा है, यह तीर क्या बता रहा है, यह तीर बता रहा है यह जो H2 है वह गैस के रूप में निकल रहा है, समझ रहे बात, और ये AQ बता रहा है, AQ जलीय घोल को प्रेजेंट कर रहा है, और यदि हम यहाँ पर S लिख देते हैं यह क्या करता है, ठोस अवस्था को दर्शाता है। तो हमें उम्मीद है आप इस संकेतों के बारे में समझ गए होंगे। यदि किसी प्रतिक्रिया में कभी भी यह संकेत नजर आए और यहाँ से आपको सवाल आए तो आप इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं। तो आज भर के लिए इतना है, बस आगे के वीडियो में मिलते हैं।